सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। और भाई टाइम हो रहा है 10 बजे के आसपास और मैं अभी अभी सो के उठा हूँ यार। और कल ऑफिस में पार्टी भी थी तो काफ़ी मज़ा आया एक्चुअली पार्टी में। तो और अभी जो है अभी उठा हूँ, आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले भाई मैंने कपड़े पहन लिए और कपड़े पहन के जा रहा हूँ। पास में एक दुकान है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सामान लेके आया था। जो सामान जो है वो ठीक नहीं निकला, मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो फ्यूज़ काइंड ऑफ ख़राब है वो। तो मैं उसको एक्सचेंज करके ला रहा हूँ क्योंकि भाई बट ऑब्वियस है, जब घर से काम कर रहा हूँ तो आज मैं व्लॉग भी शूट करूँगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। और देखो जूली कहाँ बैठी हुई है। जूली आपको पता ही है भाई, मैं और ये अकेले हैं तो ये मेरे साथ ही रहती है। तो अभी जाता हूँ, वो सामान जो है उसे बदल के लेके आता हूँ और फिर कनेक्ट करते हैं और ब्लॉग में आगे की तरफ चलेंगे। और ये देखो जूली को देखो दोस्तों, जूली आ चुकी है। हाँ बेटा, बस 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 बस, क्या हो गया? क्या हो गया? बस बस, अभी तो पुच्ची उच्ची करने। बाप बेटा मेरा मेरा बच्चा कौन है? हाँ बस ठीक। चलो दोस्तों, इससे तो प्यार मोहब्बत चलती रहेगी भाई। आज घर पे हूँ तो ये भी खुश है कि भैया आज तो मालिक साहब जो है वो गई नहीं है, नहीं तो ये चुपचाप यहाँ पे अपने सेफ हाउस में बैठी रहती है। मम्मी पापा आते हैं, इसको खिलाते हैं पिलाते हैं, हालांकि ये खाती नहीं है। इसकी सबसे बड़ी परेशानी है ये खाती नहीं है मेरे बिना। तो अभी लेके आता हूँ दोस्तों, सामान को चेंज करके आता हूँ, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ठीक है बेटा। अरे ये क्या बात होगी, लाओ। ठीक है बोल दूँ, बाय बोल दूँ इनसे? ठीक नहीं बोलो? अरे बाप। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा बेटा तू है, बस बस मेरा बेटा तू है, मेरे राजा बेटा तू। चलो दोस्तों अभी चलता हूँ। सो दोस्तों मैं आ चुका हूँ भाई अपना सामान लेकर के, जो मैंने बोला था मैं इलेक्ट्रिशियन वाले से या जो दुकान है उससे बदलने जा रहा हूँ। तो फाइनली सामान ये है भाई, एक तो इस तरीके की लाइट है, हालांकि लाइट अभी जला के दिखाऊंगा। साथ में लेके आया हूँ कंडेंसर। यार ये वाला जो पंखा है ना अंदर, ये पता नहीं यार कुछ स्लो चल रहा है, और इतना स्लो चल रहा है कि मैं आपको बताऊं ही क्या इसके बारे में। सच में आज इसका कंडेंसर बदलता हूँ। हालांकि अभी जो है भाई मैं यहाँ दूध जो है अपना गर्म कर रहा हूँ, एक बार दूध गर्म हो जाएगा। फाइनली केले, केले मेरा वेट कर रहे हैं, केले मेरा वेट कर रहे हैं। ये रखे भाई 2 केले, ठीक है। तो केले भी हैं और दूध भी गर्म हो रहा है, तो नाश्ता कर लेता हूँ। लेकिन मीन वाइल इस लाइट को जो है भाई एक बार चेक भी कर लेता हूँ, मैं बदल के तो ले आया हूँ। ये चल भी रही है कि नहीं चल रही है? तो भाई बोर्ड में कहाँ, यहाँ ला के देख लेते हैं एक बार। बोर्ड को इधर से ऑन करता हूँ और देखते हैं चलती है कि नहीं। भाई चलनी तो चाहिए मेरे हिसाब से। ओए होए सही है भाई, ज़बरदस्त लाइट है इसकी। तो ये मैं चेंज करके ले आया हूँ भाई, अभी इसको रख देता हूँ। सेटअप जो अभी पड़ा ही है ऐसे ही, हालांकि लाइट भी नहीं जल रही इधर तो। और नाश्ता करने के बाद दोस्तों पंखे पे लटकना है भाई, अभी पंखे पे काम करना है। आज कंडेंसर लेके आया हूँ, जितनी चीज़ मुझे आती है उतनी चीज़ें तो दोस्तों मैं अपने आप ही कर लेता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि भाई कंडेंसर की प्रॉब्लम है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता ऐसा ही है कि अगर फैन या कोई भी चीज़ स्लो चल रही है, स्पीड में नहीं है, तो उसका जो कैपेसिटर होता है कंडेंसर वही गड़बड़ होता है। तो भाई मैं उसको बदलूंगा ज़रूर और आपको भी दिखाऊंगा। तो अभी दूध गर्म कर लेते हैं भाई और नाश्ता कर लेते हैं, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सो भाई दूध मैंने गर्म कर लिया है दोस्तों, आप भाई कर लेते हैं, दूध को डाल लेते हैं ग्लास के अंदर। अब मुझे पता भी नहीं है भाई। ओके क्या मेरा यार सही है, क्या नाप मारा है मैंने, मेरा 1 गिलास दूध ही आया है। मुझे आइडिया नहीं था दोस्तों कि कितना इसमें दूध आएगा, कितना लेना चाहिए कितना नहीं, मैंने आइडिया से लिया। वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 गिलास के बराबर है। और भाई इधर खोल लिया मैंने अपना लैपी और लैपी पे काम करते हैं भाई, और फिर लटकेंगे पंखे पे, आपको दिखाऊंगा भाई। कई सारे छोटे छोटे काम हो जाते हैं जब घर के अंदर हम रहते हैं, और चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं, उतनी साफ़ नहीं है क्योंकि आप सारे भाई लोगों को पता है कि भाई अभी घर के और मेंबर्स नहीं हैं, तो मुझसे जो चीज़ जहाँ होती है मैं वहीं रख देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा, देखो कुछ भी किधर भी रखा हुआ है। बेड अभी अंदर का ऐसा कैसे ही पड़ा है, ठीक है। तो इनको भी धीरे धीरे करेंगे, पूरा दिन पड़ा यार, शाम को फिर निकालने बेड से, तो भाई बार बार क्यों निकालेंगे, हम तो वहीं रखे हैं। और जूली क्या कर रही है भाई, खच खच की आवाज़। जूली कहाँ है? हाँ बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? चलो दोस्तों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं भाई, आज दूध केले का ब्रेकफास्ट है, मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद।
सो गाइस पंखा जो है भाई इतनी ऊपर है, अब इस तक पहुंचना जो है वो अपने आप में एक चैलेंज है। हालांकि कैपेसिटर मैं लेके आया हूँ, हैवेल्स का दिख रहा है, अब पता नहीं भैया चलेगा भी कि नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस टेबल को निकालते हैं, टेबल के ऊपर ये चेयर रखेंगे और फिर हम भाई पहुँचेंगे यहाँ फैन के पास। तो भाई जल्दी से कर लेते हैं और फाइनली टूल किट जो है उसको भी यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि टूल किट की भाई ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि तो जब सामान लगाऊंगा और फैन को उतारूंगा तो टूल किट भाई ये सब बहुत सारा सामान रखा हुआ है। टूल किट ये रही मेरे टूल किट। तो भाई टूल किट में क्या क्या सामान है, ओके तार है, पता नहीं किस काम का है ये है, तो मुझे चाहिएगा आई थिंक ये करंट चेक करने के लिए, ये खोलने के लिए और ये वायर कट करने के लिए और आई थिंक एक प्लास। तो ये चार पांच चीज़ें चाहिए भैया, इनको रख लेते हैं यहीं पे। और फाइनली टेप जो है, टेप की ज़रूरत पड़ेगी तो टेप भी रख लिए। अभी भाई फ़ोन को लगा देता हूँ भाई मैं स्टैंड पे और जल्दी से पूरा अरेंजमेंट कर देता हूँ और फ़ैन का कैपेसिटर बदलते हैं दोस्तों। सो आई थिंक दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है पहले कुछ सामान हटाना पड़ेगा तब जाके तो ये सरकेगी। तो सामान हटाते हैं, सामान 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 की जगह को ठीक है नीचे डाल दिया, ये इधर डाल दिया। देख तो रहा ही होगा भाई, कैपेसिटर जो है बाहर निकाल लिया है, अब इसको करते हैं कनेक्ट और प्रॉब्लम भी पता ही लगेगी भाई क्या थी। ओके ये हटाया तो पहले पता नहीं कैपेसिटर, ओके इसमें कुछ तो फॉल्ट हुआ है, आप देखो ये इसका कुछ लिक्विड से निकल गया है। चलो अच्छा वाला लगाते हैं भाई, इसको फेंको, ये है अच्छा वाला, एक बार लगा के देख लेता हूँ क्योंकि लेफ्ट राइट भी घूम सकता है, इसी से डिपेंड करता है कि भैया ये किधर को घूमेगा। तो पहले तार छीन लेते हैं इसका। फाइनली दोस्तों पंखा एकदम ठीक हो गया भाई, अब इसको चला के देखते हैं। पता नहीं दोस्तों बाहर से कुछ पी की आवाज़ आ रही है, कोई बीप आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की है, मुझे लगा इन्वर्टर की है बट इन्वर्टर की तो नहीं है। बाहर से किस चीज़ की पी की आवाज़ आ रही है यार। ओ सो फाइनली गाइस पंखा भाई मैंने रिपेयर कर दिया है, अब जो बारी है, हालत दिख रही है भाई, हालत तो दिख ही रही होगी मेरे ख्याल से, देखो इधर से दिखा देता हूँ। ओए होए निकल गई हवा यार। तो भाई ऑन करके देखते हैं एक बार पंखे को, हम सक्सेसफुल हुए या कोई पटाखा फूटेगा। ओए होए सही चल गया भाई, क्या बात है, स्पीड देखते हैं, बहुत सही, और बढ़ गया, और जा और जा और जा, क्या बात है यार, मज़ा आ गया भाई, मेहनत जो है वो सफल हो गई तुम्हारे भाई की। ओए होए होए चकाचक चल गया भाई चकाचक। और पुराने वाले की हालत दिखाता हूँ भाई, पुराना वाला कैपेसिटर ये रहा भाई, इसमें से पता नहीं कहाँ से कुछ लिक्विड सा निकल गया, इसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो चलो अपना काम हो गया यार, अभी आगे के काम करते हैं। देखो टूल किट सब पड़ी हुई है, अभी सब कुछ उठा के रखना है, इसको डालते हैं डस्टबिन में, तो इसको डाल देता हूँ। सो गाइस अब करने जा रहा हूँ यार मैं दूसरा काम, मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है अभी, ठीक है, तो दूसरा काम क्या है वो दिखाता हूँ। तो भाई ये लाइट्स थी जो मैं लेके आया था कल, ठीक है, अपने किसी काम के लिए, तो फाइनली इनको मैं अभी इनके सर्किट को रेडी कर रहा हूँ, एक बार रेडी हो जाएगा तब आपको जला कर भी दिखाऊंगा कि कैसा काम कर रही है कैसा नहीं, तो जोड़ के दोस्तों मिलता हूँ आप लोगों से। सो दोस्तों हो चुकी है भाई शाम और मैं आ चुका हूँ इस टाइम पर ऊपर, हालाँकि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और ये मौसम अच्छा होने का रीज़न भी है, जो हम सब ने सुना है बिपर जो है करके जो एक तूफान आ रहा है
उसकी वजह से आज बड़ी ठंडक है यार, हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक है। और हालांकि धूप बहुत पड़ी है पूरे दिन में, लेकिन उसके बावजूद भी भाई बहुत ज़्यादा ठंडक है। पौधों में पानी वानी सब फिट कर दिया है और अब काफ़ी देर हो गई है। हालांकि आज हवा चल रही है बहुत तेज़, क्योंकि आपको दिख रहा होगा फ्लैग तो ऊपर हिलते हुए, और अगर दूर दूर का फ्लैग दिखाऊंगा होपफुली, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, बट काफ़ी तेज़ हवा चल रही है दोस्तों आज। और ये रीज़न है केवल वही जो आपका तूफ़ान आ रहा है। पहले तो कह रहे थे भाई 4 बजे तक सारा काम हो जाएगा, तूफ़ान आ जाएगा और 10 बजे तक सब फ्री हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि रात को 10 बजे के आसपास वो टकराएगा गुजरात के किनारे में, और रात को पूरी रात लगेगी कि भैया वो नॉर्मल होगा। तो कोई नहीं, आज हम तो कोई भी काफ़ी दूर हैं भाई, ऐसी तटी वाली दूरी से बहुत दूर है। और यहाँ पे मेरा पुत्र भी है जो हमेशा मेरे साथ ही रहती है, ठीक है। और आज इसने अपना दूध एकदम टाइम से पी लिया है, बिल्कुल फिनिश कर दिया है। और मैं इसके साथ ऊपर ही बैठा हूँ क्योंकि अभी मौसम बहुत ही बढ़िया है, मैं तो भाई मौसम का मज़ा ले रहा हूँ। तो अभी नीचे जाएंगे, खाना वाना खाएंगे और फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे थोड़ी देर के बाद। क्यों बेटा, सही बात है ना? हाँ जी राजा, ऊपर आओ। ये लो जी, बस 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 मेरा बच्चा, चलो चलो खेल लो, चलो चलो बस बस बेटा, क्या चाहिए आओ चलो। ये सब समझती है दोस्तों, सारी बातें समझती है। तो दोस्तों अभी थोड़े अंधेरा होने देते हैं और तब जाऊंगा दोस्तों मैं यहाँ से नीचे, अभी तो अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मैं यहीं पे रहने वाला हूँ अभी तो। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ नीचे भाई, और क्योंकि अंधेरा हो गया था मैंने कहा था अंधेरे में एक बार निकलूँगा, तो सबसे पहले लाइट जलाते हैं भाई जीने की। लो भाई हटो, जूली बेटा हटो, गेट बंद, अंदर की भी लाइट जलाते हैं यार, शाम हो गया अंधेरा पड़ा है पूरे घर में। तो ये लो भाई चकाचक लाइट हो गई है। तो नीचे आ चुके हैं भाई, अपने छोटे छोटे काम है, मछलियों को दाना डालना है तो मैं भी डाल दूंगा, बाकी ऐसा सच कोई काम नहीं होता तुम्हारे भाई के पास, क्योंकि इस टाइम पे कोई है नहीं फैलने वाला और फैलाने वाला, तो ऐसा सच कोई काम नहीं होता। बस 2-3 काम होते, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ और बस मज़े करता हूँ। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ मम्मी पापा के पास, कोई गेस्ट आया है, और फिर देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। दोस्तों रात हो गई है भाई, रात के बज रहे हैं 11, और देखो जूली कोई सपना देख रही है, देख रहे हो दोस्तों कैसे हिल रही है, जूली कोई सपना देख रही है, इसके पैर हिल रहे, देखो पैरों से पता लग रहा है, ये देखो डर रही है। और मैं इसको जगाऊंगा भी ना तो दोस्तों इसको आइडिया नहीं लगेगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों मैं इसको हिलाऊंगा भी, ये देखो मैं इसको हिलाऊंगा भी, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एक सपने में घुस गई है। बेटा उठ गया? हाँ बेटा उठ गया, मेरा राजा बेटा उठ गया, क्या नींद आ रही थी, डर रही थी, कोई बात नहीं, छो जाओ छो जाओ छो जाओ, चलो छो जाओ छो जाओ, बस।